यहाँ पर जो मौजूद हजरात बैठे हुए हैं मेरे साथ, नारायण राव साहब बात करने के बाद मैं आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसको कदर करना हिंदुस्तान के हर शहरी का है। मैं उसको कदर करते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा, आपका भाई आपके सामने खड़े रहा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से, मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, 7 तारीख को कांग्रेस के हक में हाथ के निशान पर मोहर लगाइए, उसके बाद आपकी आवाज बनकर मैं असेंबली निजामाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए आपके साथ रहूंगा। और कल गुलाम नबी आजाद साहब 10:30 बजे निजामाबाद बांसवाड़ा बोधन का दौरा है, सुबह 10:30 बजे आएंगे और हमें अब तक उनके हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला, मैं उसी में था मसरूफ, शायद अब महेश कुमार गौड़ साहब भी वही काम में गए हुए हैं और कंफर्म हो गया है कि 15 मिनट में हमको परमिशन आ जाएगा। तो सिर्फ मैं आप लोग यहाँ जो भी है यहाँ नए से वालों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि हमारे को परमिशन सिर्फ भूमा रेड्डी फंक्शन हॉल में मिला है, उसमें वो मीटिंग रहेगी 10:30 बजे, जो भी यहाँ पर मौजूद सब वहां तशरीफ लाएं, उन्होंने सिर्फ 45 मिनट का टाइम अपने लिए दिया है निजामाबाद असेंबली हल्के के लिए, वो एक अपने ऐसे नुमाइंदे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में उनकी स्पीच सुनने की सख्त जरूरत है, उसके साथ महाकूटमी के जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तेलुगु देशम टीजेएस सीपीआई, उसके साथ सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन के साथ दूसरे इंडियन मुस्लिम लीग एमबीटी, इस इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार को मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन नौजवानों को एक आखिरी में एक बात कहूंगा, आपका जोश आपका जो इस आज के दिन जो चल रहा है वो जोश को कायम रखिए 7 तारीख तक। अभी नारायण साहब ने कहा आपका वोट ही नहीं अपने घर वालों का वोट सबका वोट हाथ के निशान को डालने के लिए आपको उन्होंने बताया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी तकरीर सुनकर सारे निजामाबाद के लोग ये कह रहे हैं कि नारायण साहब उनके बारे में अपन जितना भी बोले कम है, एक गरीब इंसान बकरी चलाने वाला यहाँ पर एमएलए के हैसियत में अपने को जो बोल रहे अपन सीखने की कोशिश करें। वैसे हुसैन भाई मेरे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी यहाँ मौजूद है। मैं हमारी तरफ से हमारे निजामाबाद के शहरियाने की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वक्त का तकाजा है, मैं माफी चाहता हूँ होदेदारों से, सिर्फ ये हम जलसा और थोड़ी देर का था लेकिन 10 बजे वक्त खत्म हुआ, इसलिए रुख्सत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। मैं आखिरी में कहूंगा हाथ के निशान को हाथ उठाना भाई, हाथ के निशान को, हाथ के निशान को, शुक्रिया।